नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ग्राउथ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोटिवेशनल वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी नए हैं और रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। अक्सर बहुत से लोग एक गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें एक बहुत बड़े फॉल्ट के रूप में देखने को मिल सकता है, तो आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा कि वो गलती क्या है। तो ये वीडियो मैंने आपको अवेयर करने के लिए बनाया है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये वीडियोकॉन टीवी का बोर्ड है, काफ़ी फेमस और पुराना बोर्ड है। और इसी बोर्ड से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या गलती हमें नहीं करनी है और जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिपेयरिंग के लिए आता है, टीवी हो, एम्पलीफायर हो या SMPS, जो भी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आता है, तो इस तरह से हमारे टेबल पर जो ये सोल्डरिंग वायर के टुकड़े या कण पड़े रहते हैं, तो ये सोल्डरिंग वायर के टुकड़े और या कण जो आप देख रहे हैं इस तरह से, या वायर के टुकड़े या फिर स्क्रू वगैरह जो भी हमारे टेबल या बेंच पे पड़े रहते हैं, तो ये हमारे PCB बोर्ड में कहीं भी फंस सकते हैं। और जो ही हम सप्लाई इसे देंगे तो ये हमारे सर्किट बोर्ड को फॉल्ट कर देगा और एक बहुत बड़े फॉल्ट के रूप में हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से पड़े रहते हैं हमारे टेबल पर, और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बोल्ट और वायर के टुकड़े वगैरह, तो जैसे ही हम इसे बोर्ड को ऑन करते हैं तो हमारा ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट बन सकता है और हमारे सभी कंपोनेंट जहां पर कम वोल्टेज जा रहे हैं वहां पर ज़्यादा वोल्टेज जा सकते हैं और हमारा सर्किट बोर्ड फॉल्ट हो सकता है। तो आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और देखिए ये कैसे हमारे बोर्ड में फंसते हैं, टच हो जाते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन पर टच हो जाते हैं। तो इनको हमें टेबल को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए और उसके बाद ही रिपेयर करना चाहिए, और जो भी कंपोनेंट हमने लगाया उसके बाद भी इस तरह से ब्रश से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी सोल्डरिंग पेस्ट और ये शोल्डर वायर के कण यहाँ पे चिपके रह जाते हैं और हमारे सर्किट बोर्ड को ख़राब कर सकते हैं। और चेक करने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज लैंप से ही चेक करना चाहिए, क्योंकि जो ये सोल्डरिंग वायर के टुकड़े इस पर चिपक जाते हैं तो इससे फॉल्ट बहुत कम होगा सीरीज लैंप से, तो इसी से चेक करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सोल्डरिंग पेस्ट लगा है ट्रांजिस्टर के पास में, वहाँ पर भी एक सोल्डर वायर का टुकड़ा चिपका हुआ है। देखिए आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर गौर से देखिए आप, यहाँ पर एक टुकड़ा चिपका हुआ है, ये देखिए। और ये जो ही हम सब इसे सप्लाई देंगे तो ये हमारे कंपोनेंट को एक दूसरे की लाइन को शॉर्ट कर देगा और हमारी IC या बोर्ड को ख़राब कर देगा। और भी एक ऊपर भी एक दो लाइनों में चिपका हुआ है, देखिए फंसा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, और ये निकल भी नहीं रहा। इस तरह से फंस जाते हैं और एक नई प्रॉब्लम और नए फॉल्ट को ये जन्म दे सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से गौर से देख लेना चाहिए और इसे ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ भी कर लेना चाहिए, उसके बाद ही टीवी को या जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसे सप्लाई देना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप भी बहुत ही सावधानी से रिपेयर कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो जो भाई चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी दबाना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक।